रनों का लक्ष्य शानदार बल्लेबाजी जॉनी बेस्ट्रो ने की जिन्होंने शतक लगाया। इसके अलावा जेसन रॉय ने बड़ी पारी खेली और अंतिम के ओवर्स में बेन स्टोक्स ने धमाल किया, जिसकी वजह से इंग्लैंड एक ऐसे स्कोर तक जा पहुंचा जहां से वो भारतीय टीम पर दबाव बना सके। एक बार फिर आपको बताएं, इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर खड़ा किया है बर्मिंघम के मैदान पर, 337 रन बनाए यानी कि 338 रनों का लक्ष्य है। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट जरूर हासिल किए लेकिन ज्यादातर गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई। जसप्रीत बुमराह का अगर हम स्पेल हटा दें 10 ओवर का तो सभी गेंदबाजों ने 50 से ऊपर रन दिए, जिसकी वजह से इंग्लैंड 337 रन तक पहुंचने में कामयाब रहा। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को एक एक विकेट मिले। यजवेंद्र चहल आज पूरी तरह से स्ट्रगल करते नजर आए, 10 ओवर में 87 रन उन्होंने खर्च किए। इसके अलावा कुलदीप यादव की बात करें तो 71 रन उन्होंने खर्च किए। शमी की भी अच्छी खासी पिटाई हुई लेकिन 5 विकेट वो लेने में कामयाब रहे और ये तीसरा मौका है इस वर्ल्ड कप में बैक टू बैक जब वो 4 या उससे ज्यादा विकेट लेने में कामयाब रहे। जॉनी बेस्टो ने 111 रनों की शानदार पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन और इंग्लैंड के गेंद जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की उस पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान होंगे हमारे साथ। अंशुमन गायकवाड़ जी, पूर्व कोच और पूर्व सिलेक्टर प्रवीण कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज, इसके अलावा राजकुमार शर्मा जी और साथ ही हमारे साथ होंगे निखिल चोपड़ा भी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर बाद।